अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक गाड़ी का वेरिएंट लेके आया हूँ, जिसकी डिटेल्स को मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर करूँगा। सो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स प्रॉपरली मिल सकें। और इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि आप में से जो हज़रात इस गाड़ी को खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ईजिली इस गाड़ी को अप्रोचेबल बना सकते हैं। और कॉमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक का इजहार करना ना भूलिएगा, जो कि मेरे लिए हमेशा वैल्यूएबल रहती है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हैवी गो टोयोटा क्रोला अल्टिस एक्स वेरिएंट, इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ 2021 का ये मॉडल है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 1600 सीसी की इंजन कैपेसिटी प्रोवाइड की गई है। 90,700 किलोमीटर इसकी अब तक की ड्रिवन माइलेज है और 52 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। फ्रंट साइड को बहुत ही अट्रैक्टिव और अग्रेसिव लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें ग्रिल्स के सेक्शन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। क्रोम का बैज और क्रोम की स्ट्रिप इसकी लुक को मजीद खूबसूरत बना रहे हैं। और हेडलाइट्स की कंडीशन भी बहुत ही जबरदस्त है, इन अ वेरी यूनिक शेप, जिसमें हैलोजन लैंप्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। फ्रंट साइड की तरह बैक साइड को भी बहुत ही जबरदस्त लुक के साथ प्रेजेंट किया गया है, जिसमें बैक साइड पे लाइट्स की कंडीशन बहुत ही जबरदस्त है, इन अ वेरी यूनिक शेप। और बैक साइड पे कैम का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। गाड़ी में जेन्युइन अलॉय रिम्स भी दिए गए हैं। डोर हैंडल सेम कलर में अवेलेबल है। मल्टीपल कलर्स के इंटीरियर के साथ ड्राइविंग साइड का डोर बहुत ही जबरदस्त कंडीशन में अवेलेबल है। और फैसिलिटीज में प्रोवाइड की गई है पावर विंडोज, विंडोज एंड डोर्स लॉकिंग अनलॉकिंग फीचर, इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। बैक साइड के दोनों डोर्स भी सेम कलर के इंटीरियर के साथ अवेलेबल हैं और फैसिलिटीज में प्रोवाइड की गई है पावर विंडो एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ रूम की फ्रंट साइड की कंडीशन बहुत ही जबरदस्त है और रूम में मौजूद बैक साइड को भी प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं ड्राइविंग सीट पे एंड हियर इज द की। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ इसका तमाम तर रूम और इसके डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। सेकंड सीटर की सेफ्टी के लिए एयर बैग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है विद एसी ग्रिल। और इसके बॉटम में मौजूद है स्टोरेज बॉक्स। मिड के सेक्शन में अवेलेबल हैं 2 एसी की ग्रिल्स, डिजिटल वॉच पैनल और इसके साथ प्रोवाइड किया गया एंड्रॉइड एंटरटेनिंग पैनल विद हैजर्ड लाइट्स बटन। और इसके बॉटम में मौजूद है एसी पैनल, जिसे नॉब शेप की मदद से इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। ड्राइविंग साइड पर प्रोवाइड की गई है एसी की ग्रिल और इसके बॉटम में मौजूद है साइड मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए फीचर। स्टेयरिंग की बात की जाए तो इट इज अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन, जिसमें क्रोम का बैज इसकी लुक को मजीद खूबसूरत बना रहा है। और सेफ्टी पर्पज के लिए एयर बैग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। कंफर्टेबल राइड के लिए स्टेयरिंग में भी कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आपकी राइड को सेफ एंड सिक्योर बनाया जा सके। इसी के साथ ऑब्जर्व करते हैं स्पीडोमीटर की कंडीशन आफ्टर टर्निंग ऑन द कार। सो दिस इज द स्टार्टअप, बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया इसके स्पीडोमीटर को, जिसमें लेफ्ट साइड पे 8000 का आरपीएम मीटर मौजूद है, राइट साइड पे 240 किलोमीटर की स्पीड रेंज प्रोवाइड की गई है। और मिड के सेक्शन में मौजूद है डिजिटल पैनल, जिसकी मदद से आप अपनी तमाम तर माइनर ऑब्जर्वेशंस को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स डिजिटल वॉच पैनल एंड एंड्रॉइड एंटरटेनिंग पैनल, which is in touch shape and very easy to operate. Front pe leg space ki baat ki jaye, so it is very wide and enough, jaisa ki aap dekh sakte hain main iske pedals ko bahut easily approach kar pa raha hu and I am sitting very comfortably at the driving seat. फ्रंट दोनों सीट्स लेदर के स्टफ में अवेलेबल हैं विद 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का विद अ वेरी फाइन कलर कॉम्बिनेशन। इन सीट्स के मिड में प्रोवाइड किया गया है आर्म रेस्ट, जिसकी इनर स्टोरेज को भी आप अवेल कर सकते हैं लिड को रिमूव करके, विद द फैसिलिटी ऑफ 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक लीवर एंड ऑटो ट्रांसमिशन लीवर, जिसके साथ एक ओपन पोर्शन मौजूद है जिसमें आप अपने सेलफोन वॉलेट की कीज को कैरी कर सकते हैं। स्मोकिंग पर्पज के लिए एक पोर्ट प्रोवाइड की गई है और ऑक्स यूएसबी पोर्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ड्राइविंग साइड पे मौजूद शेड सिंपल कंडीशन में प्रोवाइड किया गया है और सेकंड सीटर साइड का शेड मिरर की फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है। और इन दोनों शेड्स के मिड में प्रोवाइड किया गया है लाइट पैनल विच इज इन वर्किंग कंडीशन। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं गाड़ी की बैक सीट पे और आपको बताता चलूं आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। लेग स्पेस आप देख सकते हैं इट इज टू मच वाइड, काफी इनफ लेग स्पेस प्रोवाइड की गई है बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट दोनों सीट्स की बैक साइड पे ये पॉकेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स या लैपटॉप को इजीली कैरी कर सकते हैं। बैक सीट्स लेदर के स्टफ में अवेलेबल हैं विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। सेफ्टी पर्पज के लिए सीट बेल्ट प्रोवाइड की गई है और सीट के मिड में मौजूद है एक पैनल, जिसको आप आर्म रेस्ट के तौर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर मौजूद है 2 कप होल्डर्स की फैसिलिटी। बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए रूफ के मिड में अवेलेबल है लाइट पैनल विच इज इन वर्किंग कंडीशन। ऑब्जर्व करते हैं बूट स्पेस में मौजूद स्टोरेज कैपेसिटी एंड दिस इज द टोटल बूट स्पेस, जिसके अंदर लगेज की एक बहुत ही अनफ क्वांटिटी इजीली कैरी की जा सकती है। काफी वाइड एरिया प्रोवाइड किया गया है इसके बूट स्पेस में। ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन। इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार, सो इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स लिड।
सो व्यूअर्स, ये थी इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को क्लोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।